हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.3 का दो नंबर का पहला। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके दर्शाइए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसको भाग करके चेक करते हैं गुणनखंड है या नहीं है। पहले इसको लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 भागा इसको 2 टी पे पावर 4 प्लस 3 टी पे पावर 3 माइनस 2 टी पे पावर 2 माइनस 9 टी माइनस 12। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे कितना है, टी पे पावर 4 है। तो हमको और कितना यहाँ से गुना करेंगे तो टी पे पावर 4 हो जाएगा। यहाँ टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो टी पे पावर 4 हो जाएगा, और 2 से 2 टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो पूर जाएगा। तो रफ में समझाते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 टी स्क्वायर से अगर गुना करेंगे तो पूर जाएगा। इसको देखिए 2 टी पे पावर 4, ई 2 और ई 2 जुटता है गुना में, और फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 टी स्क्वायर। तो इसको यहाँ लिखेंगे 2 टी स्क्वायर, और इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 टी पे पावर 4 माइनस 6 टी। तो इसका जाति कहाँ है, यहाँ पे है, तो माइनस 6 टी स्क्वायर। तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों कटा, इसको उतारेंगे 3 टी क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा घटेगा तो प्लस 4 टी स्क्वायर, ये सबको उतारेंगे माइनस 9 टी माइनस 12। अब हमको क्या देखना है, सबसे शुरू वाला देखना है, यहाँ कितना पुराना है 3 टी पे पावर 3। तो यहाँ स्क्वायर पहले से है और एक टी चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करेंगे 3 टी से गुना करेंगे तो पुर जाएगा। देखिए रफ में समझाते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 टी बराबर, इसको और इसको गुना करेंगे 3 टी क्यूब हो जाएगा, फिर इसको माइनस 3 टी 9 टी। तो अब लिखेंगे इसको यहाँ लिख देंगे प्लस 3 टी, अब इसको यहाँ लिख देंगे कितना है 3 टी क्यूब माइनस टी। तो इसका जाति कहाँ है, यहाँ पे है माइनस 9 टी। तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कटा, यहाँ क्या बचा 4 टी स्क्वायर, यहाँ ई भी कट रहा है तो क्या बचा माइनस 12। इसको कैसे करेंगे, कितना पुराना है यहाँ पे 4 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर तो यहाँ पहले से है, अगर हम 4 से गुना कर दे तो पूर जाएगा। देखिए रफ में टी स्क्वायर माइनस 3 गुना 4, देखिए पूर जाएगा, 4 से गुना करेंगे 4 टी स्क्वायर माइनस 4 तिया 12। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4, और इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 टी स्क्वायर माइनस 12। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए कटा दोनों तो क्या हो जाएगा 0। तो गुणनखंड में शेषफल 0 निकलेगा तो ये गुणनखंड है। तो नीचे लिखेंगे गुणनखंड है, यही हो गया इसका आंसर। धन्यवाद दोस्तों।